हाय, मेरा नाम है इकाश और मैं आपको सुनाने वाला हूँ क्रिसमस की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी इजराइल में रहती थी। मेरी एक रात अपने कमरे में सो रही थी, फिर एक एंजल प्रकट होती है, मेरी चौंक के उठती है और कहती है, तुम कौन हो? फिर एंजल कहती है, मैं भगवान से भेजी गई हूँ और मुझे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता दी है। मेरी कहती है, ठीक है बताओ। फिर एंजल कहती है, आपका बच्चा बहुत ही अच्छा रहेगा, वो लोगों की बहुत मदद करेगा, उसका बहुत नाम भी होगा। मेरी कहती है, ऐसा ही मुझे बच्चा चाहिए था, पर आपको ये कैसे पता? एंजल हंसती है और फिर चली जाती है। कुछ सालों बाद जब बेरी की शादी हो गई थी और जब उसका बच्चा जन्म लेने वाला था, वो अपने पति जोसेफ के साथ ठहरने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी। जोसेफ को एक बहुत बड़ा सा घर मिला। जोसेफ उसका दरवाजा खटखटाया और कहा, सर, हम लोग को एक जगह चाहिए सर। क्या हम लोग की मदद कर सकते हैं? तो फिर वो सर कहते हैं, नहीं कर सक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें एक्चुअली कुछ नहीं दे सकता, पर मेरे पास एक काउ शेड है जिसमें आप जा सकते हैं, वो यहाँ के लेफ्ट में है। तो फिर वो लोग जाते हैं। फिर वो लोग को एक काउ शेड दिखता है और मेरी और जोसेफ वहां पे अंदर चले जाते हैं। जो मेरी मेरी थक के वारे सो जाती है। जोसेफ मेरी का ख्याल रख रहा होता है। फिर कुछ टाइम में मेरी का बच्चा जन्म ले लिया था। जोसेफ फिर कुछ टाइम के बाद वो उठ गई और उसने देखा जोसेफ और बहुत सारे लोग वहां पे आ गए थे। फिर जोसेफ ने कहा, इस बच्चे का नाम मैं जीसस रखूंगा। फिर कुछ साल बाद जब जीसस बड़ा हो गया, उसने गरीब लोगों की बहुत मदद की और उसने इक्वालिटी भी बनाई और उसने ये और उसने ह्यूमैनिटी सिखाई और बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दी। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को क्रिसमस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन जैसे मेरे साइड में है, क्रिसमस ट्रीज लगाते हैं और बहुत पार्टीज करते हैं जिससे सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।